नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर खरे, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, ये थोड़ा अनप्लान्ड वीडियो है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मेरे कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी तरफ से मुझे कुछ इंक्वायरीज आ रही थी, जो ये जो टंग ब्लॉक और टंग स्लैप का जो तरीका है वो ठीक से वो समझ नहीं पा रहे थे, या यूं कहूँ तो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। तो हालांकि मैंने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की थी मेरे वीडियोस में कि उन चीज़ों को मैं डिटेल में समझाऊं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो बताना हम चाहते हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से कहिए या उस वक्त ध्यान में नहीं आता, इसके लिए हम बता नहीं पाते हैं उतना डिटेल में। तो अभी ये जो वीडियो है उसमें मैं थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा कि टंग स्लैप और टंग ब्लॉक को क्रोमैटिक हार्मोनिका में कैसे किया जाता है। दोस्तों, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप टंग स्लैप करना चाहते हैं तो उसका जो पहला कदम है वो टंग ब्लॉक है, तो आपको टंग ब्लॉक आना चाहिए, ये पहली शर्त है। और टंग ब्लॉक जब आपको आ जाता है उसके बाद दूसरा कदम होता है टंग स्लैप का। तो टंग ब्लॉक जैसे मैंने बताया था कि किस तरह से किया जाता है, आप जो नोट बजाना चाह रहे हैं, जो मेलोडिक नोट है, उसके बाईं तरफ जो हारमोनिका के अंदर होल्स होते हैं उनको आप अपनी जीभ से यानी अपने टंग से ब्लॉक करके और अपने मुंह के दाहिने किनारे से हवा जो है फेंकते हुए या वहाँ से हवा ड्रॉ करते हुए उन नोट्स को आप बजाते हैं। तो जैसे इस हारमोनिका के अंदर मान लीजिए मैं होल नंबर 5, जो मेरा सा है यहाँ पर, वो बजा रहा हूँ। तो होल नंबर 5 के जो बाईं तरफ के होल्स हैं, 2 3 4, 1 2 3 4, जो भी सारे होल्स हैं जो मुंह की रेंज में आते हैं उनको मैं ब्लॉक करूँगा और मुंह के दाहिने एज से हवा उसमें डालूंगा, तो मुझे सिंगल नोट मिलेगा। तो इसे मैंने कैसे किया, तो वो कुछ इस तरह से कि जो हमारी जीभ होती है इसका ये सामने वाला जो नुकीला हिस्सा होता है, टिप ऑफ द टंग जिसे हम कहते हैं, उसको मैं अपने मुंह के इस तरफ मैंने टिका दिया इस तरीके से। ऐसा करने के बाद में मेरी जो जीभ है वो थोड़ी घूम जाती है और जीभ का ये जो एज है, साइड एज, वो सामने की तरफ आ जाता है, सामने की तरफ आ जाता है। लेकिन चूंकि हमारी जीभ दाईं तरफ से बाईं तरफ की डायरेक्शन में मूव हुई है, तो दाईं तरफ हमें थोड़ी स्पेस खाली मिल जाती है हवा फूंकने के लिए या खींचने के लिए। तो उसको जो दाहिना एज है उसको हम अलाइन करते हैं होल नंबर 5 में या कोई भी होल जिसमें जो आप बजाना चाहते हैं उसको, और फिर हारमोनिका को अंदर लेते हैं। तो हमारी जीभ का एज है ना, वो बाकी होल्स को बाईं तरफ के उनको कवर कर लेता है। ये देखिए, ये किया। एक ध्यान देने वाली चीज़ ऐसी है कि मैंने आपको ज़रूर बताया कि टिप ऑफ द टंग अंदर की तरफ होना चाहिए, लेकिन वो एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अंदर ही होना चाहिए। जैसा करने से आपकी जीभ अच्छी तरह से होल्स को ब्लॉक करने पाए वैसा आप कीजिए। अगर आपकी आपकी जीभ का जो टिप है वो थोड़ा बाहर की तरफ भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिहाजा हमें इतना ध्यान रखना है कि बाईं तरफ के होल्स को वो जो जीभ का एज होता है वो अच्छी तरह से कवर कर ले। तो मैं
मैं एक के बाद एक दूसरे होल्स पे जाता हूँ, तो जीभ जो है वो सटी हुई है हारमोनिका के माउथपीस के साथ में, और वो उसके साथ स्लाइड होती है। ऐसा करने में शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होती है और होगी, तो उसके लिए तैयारी करें, उसको कोशिश करते रहें, और जब आपके नोट्स अच्छे क्लीन आने लगें तो तब आप समझिए कि हाँ, हम अब इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए तैयार हैं, यानी कि हम टंग स्लैपिंग के लिए अब तैयार हैं। आप एक चीज़ और ऑब्जर्व कीजिए, जब आप इतना जीभ को एक तरफ टर्न करके और हारमोनिका को अंदर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रीदिंग है वो आपके गले से होगा, यानी जो आप फूकेंगे या हारमोनिका सॉरी जो एयर को ड्रॉ करेंगे वो गले से होगा। आप इसमें अपने चीक्स का यानी गालों का प्रयोग मोस्टली नहीं कर पाएंगे उतना ज़्यादा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और साथ में आप अपनी नाक से सांस लेना ज़रूर चालू रखें साथ साथ, तो हमें नाक से सांस लेना बंद नहीं करना है, वो सर्वथा ज़रूरी है। ओके, तो अब मैं मान लेता हूँ कि आपने ये तकनीक समझ ली है और सीख भी ली है। अब इसके बाद में हम चलते हैं स्लैप्स की तरफ। तो अब देखते हैं कि हम लोग टंग स्लैप कैसे करेंगे। टंग ब्लॉकिंग हम सीख चुके हैं, तो अब टंग स्लैप्स का, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि तरीका यह होता है कि पहले आप जीभ से ला 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 जो कहते हैं उसको ऑब्जर्व करें कि वो हम अपने मुंह की ऊपरी सतह के साथ करते हैं ला ला ला। जो पैटर्न, जो रिदमिक पैटर्न हम उस तरीके से बनाते हैं, उस रिदमिक पैटर्न को हमें कंटिन्यू करना पड़ता है अब हारमोनिका के माउथ पीस पर, यानी जो पहले ऊपरी दिशा में मूवमेंट हो रहा था आपके टंग का, अब वो सामने की दिशा में मूवमेंट होगा। तो मैं आपको वो चीज़ बजा के बताता हूँ और उसके बाद हम थोड़ा उसको और डिटेल में जानेंगे। अब ये मैं स्लैप कर रहा हूँ। स्लैप कुछ इस तरह से चलता है कि जैसे हमने कहा ला, तो ला में जीभ फिजिकली टच हुई मुंह की ऊपर की सतह को। वही चीज जब हम सामने की तरफ करते हैं तो ला कहते टाइम हमारी जो जीभ है वो माउथ पीस को टच करती है हारमोनिका के, और उस समय होल्स को ब्लॉक कर देती है, यानी ला में फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है जीभ का हारमोनिका के माउथ पीस को। ये बड़े ध्यान से सुनिए, ला और उसके बाद आ, जब आ करेंगे तो जीभ जो है वो टच नहीं करेगी। जब हम आ बोलते हैं तब भी जीभ हमारे मुंह के किसी हिस्से को टच नहीं करती है, तो हारमोनिका पे बजाते टाइम भी आ में जो है वो नोट्स हमारे बहुत सारे इकट्ठे बजते हैं, क्योंकि अचानक से हारमोनिका के होल्स खुल जाते हैं क्योंकि जीभ अपना कॉन्टैक्ट छोड़ देती है। जैसे अभी मैं पहले बजाऊंगा ला और फिर आ, यानी ला कहा तो मैंने जीभ टिका दी माउथपीस पर उस तरीके से जिससे होल्स जो हैं बाईं तरफ के ढक जाएं और मुंह के दाहिने किनारे से हमारा मेलोडिक नोट बजे। और जब आ करेंगे यानी उस जीभ को पीछे की तरफ खींच लेंगे, तब सारे नोट्स जो हैं जितने भी होल खुले हैं हमारे मुंह के अंदर वहां सबसे बजेंगे। तो ला आ ला आ ला आ ला आ ला आ ला आ, ये हमारा तरीका होता है एक कॉर्डल टंग स्लैपिंग के लिए। तो
इस तरीके से हमें अपनी जीभ को आगे पीछे करना है, होल्स को ब्लॉक अनब्लॉक करके जो है ये कॉर्डल इफेक्ट लाना है। अब टंग स्लैप, स्लैप का मतलब क्या होता है, जैसे हम एक थप्पड़ लगा रहे हैं, लेकिन थप्पड़ कहाँ लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं हारमोनिका के माउथ पीस पर, और उसको रिदमिकली लगाएंगे ताकि वो रिदम के साथ मैच करें। तो ला आ इज लाइक 1 2 1 2, बट ला 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 ला, अभी ला ला में कई बार जीभ आगे पीछे होती है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये पैटर्न बनाने के लिए हमें जीभ को निरंतर अभ्यस्त करना पड़ता है, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होगा। आपकी जीभ ला 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 बोलने के लिए तो अभ्यस्त होती है, लेकिन आप उसको आगे पीछे करके देखिए तो आपको बहुत मुश्किल जाएगी, क्योंकि उस दिशा में हमें टंग मूवमेंट की आदत नहीं होती है और वहीं हमें उसका अभ्यास करना पड़ता है। तो एक बार फिर से अपनी जीभ को बाईं तरफ घुमाते हुए जीभ के एज से होल्स को ब्लॉक करेंगे और जीभ को आगे पीछे हम लोग ब्लॉक अनब्लॉक करते हुए और टंग स्लैप बजाएंगे। मैं बजा के बताता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ हद तक समझ में आ गया है, क्योंकि ये दिखता नहीं है, हमको इसे विजुअलाइज करना पड़ेगा और सुन के और किस तरीके से स्लैप्स मारने हैं उसको अपने दिमाग में विजुअलाइज करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इससे ज़्यादा बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शब्दों के जरिए बताने से भी कुछ चीज़ें जो हैं साफ तब तक आप मास्टर नहीं कर पाएंगे जब तक उसका फील आपको बजा बजा कर आने नहीं लगेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, हो सकता है कि बात अभी भी उतनी समझ में ना आई हो, लेकिन कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, आप सीख जाएंगे। और अगर आज का ये जो अनप्लान्ड लेसन है वो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और कुछ डाउट्स हैं तो भी पूछिए कमेंट सेक्शन में। आपसे बातचीत करके मुझे खुशी होती है, और कहना ज़रूरी नहीं है फिर भी कहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसा अनप्लान्ड वीडियो भी कभी आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचती है तो आप उससे लाभान्वित होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।